93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवार्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ। बचपन से ही हमें अंधेरे से बहुत घबराहट होती थी। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। अंधेरे में अकेले जाना तो दूर की बात थी। जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे जो आज हुआ हमारे साथ। हमारी पहली रात थी हॉस्टल में। सीनियर लोगों ने हम सब फर्स्ट ईयर वालों को घेर रखा था। कॉलेज वॉलेज में रैगिंग से आप बच भी जाएं, लेकिन हॉस्टल के अंदर तो उन्हीं के साथ रहना है। झक मार के रैगिंग झेलनी पड़ती है। सबको हल्के में जब सीनियर्स ने छोड़ दिया तो हमें लगा कि हम भी बच जाएंगे, लेकिन हमारी तो किस्मत ही मनहूस है। एक सबसे कठोर सीनियर की बारी आई हमारी रैगिंग के समय, और जिसका डर था उसने वही हमें करने को दिया। कूलर से पानी लाना था हमें। पूरा शहर जानता है कि उस कूलर से पानी लाने का मतलब है आपकी जिंदगी का बदल जाना। रात के अंधेरे में कॉलेज नहीं, किसी भूत बंगले जैसा दिखता है, और कॉलेज का ग्राउंड किसी कब्रिस्तान के जैसा। और इसी अंधेरे में हमें कॉलेज के दो हॉस्टल, एक ग्राउंड, उसके बाद आने वाली सड़क, और फिर मैकेनिकल की बिल्डिंग पार करके कोने में लगे वाटर कूलर से पानी भर के लाना था। चाहे कितना डर लगता हो अंधेरे से, लेकिन जिद के पक्के हम बचपन से हैं। ठान ली तो मतलब ठान ली। हाथ में बोतल लिए हम हॉस्टल से जैसे जैसे दूर जाने लगे, रोशनी और लड़कों की आती आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी, और हमारी धड़कन की आवाज और रफ्तार तेज। हम तो मन ही मन सोच रहे थे कि कौन सी मनहूस घड़ी में घर छोड़ के इन राक्षसों के बीच आ गए थे कि हॉस्टल की आवाजें और रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई, और बहुत धुंधली रोशनी में बिल्कुल शांति सी छाई हुई थी चारों तरफ। मौसम बरसात का था तो झिंगुरों और मेंढकों की आवाजें धीमे धीमे अचानक ही तेज होती जा रही थी। हमने दोनों हॉस्टल पार कर लिए तो थोड़ी सी हमें हिम्मत आ गई अंदर। अब कदम तेज बढ़ने लगे थे। ग्राउंड में कहीं कहीं भरे पानी में छप से पैर पड़ता तो ऐसा लगता कहीं कोई अंदर ना खींच ले हमें। लेकिन ऊपर वाले की दया थी कि आराम से हमने ग्राउंड भी पार कर लिया, और अब हम सड़क पर आ गए थे। इक्का दुक्का गाड़ियां निकली तो इंसान और गाड़ियां देखकर हमारी जान में जान आई, और हम आखिरी उस बिल्डिंग को भी पार करके कूलर पर खड़े होकर पानी भर रहे थे। और यही सोच सोच के दिल ही दिल कांप रहे थे कि जितना झेल के हम यहां आए उतना ही झेल के वापस भी जाना है। हम ये सोचते हुए भर चुकी बोतल हटा के उसका ढक्कन लगाने ही वाले थे जब हमारी तो जान हलक में अटक गई। हम वहां से तुरंत वापस दौड़े, और जरा सा ही आगे होंगे कि हमें याद आया कि हड़बड़ी में हमने तो बोतल ही नहीं ली। वापस दौड़ के बोतल उठाकर भागने के हुए तो नीचे जो देखा उस पे विश्वास हमको भी नहीं हो रहा है। हमने आओ देखा ना ताओ भागे वापस हॉस्टल। मेंढक, झिंगुर, गाड़ी, आदमी, जानवर, सारी आवाजें अपनी जगह होती रही, लेकिन
हम नहीं रुके और वापस आकर सीनियर को पानी की बोतल देकर मैंने पूरी बात बताई। तो जिसने हमको पानी लाने भेजा था उसने हमसे पूछा, कौन गांव के हो, नाम का है तुम्हारा और पिताजी का नाम का है? हमने बताया कि फैजाबाद के है और हमारा नाम प्रदीप है और पिताजी हमारे रेलवे में है, टीसी नंदलाल श्रीवास्तव। हमसे इतना सब कुछ सुनने के तुरंत बाद ही इतनी देर से हमारे पीछे पड़े हुए उस सीनियर ने खुश होते हुए हमसे हंसते हंसते कहा, अरे बड़ा गुनाह हो गया यार हमसे, हम भी बंगले से ही हैं, नंदलाल चाचा के लौंडे को पहले का ही नहीं बताए। चलो बोरिया बस्तरा उठाओ, हमारे कमरे में चलो। मन तो किया कि कंटाप रसीद दे, लेकिन फिर सोचा सीनियर के साथ रहेंगे तो बचे रहेंगे, चले गए हम भी साथ में। रूम में हम लोग पहुंच के दरवाजा बंद ही किए थे कि वो दरवाजा खोलने को उठा तो पता नहीं हमें क्या हो गया, हम खुद ही बोले। दरवाजा खोला तो अपनी मौत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। सीनियर माना नहीं, उसका नाम भानु प्रताप सिंह था और बात जब उसकी इज्जत की हो तो पीछे तो वो मरने से भी नहीं हट सकता था। उठकर गया और लोहे का सरिया हाथ में लेकर एक झटके से दरवाजा खोला और पहले तो हंसा और फिर पलटकर प्रदीप पर चिल्लाया, अरे डरपोक, तुम इससे डर रहे थे है? हम जानते हैं ये बल्लू ही होगा, तुमको डराने के लिए ऐसे खटखटा के भागा है। कुछ नहीं है यहाँ पे, हम जा रहे सोने, तुम रखवाली करो कमरे की, समझे? और सुनो बालक, भानु प्रताप सिंह का कोई कुछ बिगाड़ने आएगा ना तो खटखटा के तो नहीं आएगा। इतना कह के उसने दरवाजा बंद कर दिया और सोने चला गया। प्रदीप करता भी तो क्या, नींद तो उसकी वाटर कूलर के पास जो उसने देखा था उसी से उड़ गई थी। और अब ये वो बैठे बैठे सोच ही रहा था जब फिर से, इस बार प्रदीप खुद उठा दरवाजा खोलने को और पीछे देखा तो भानु भी उठ गया था। प्रदीप ने उससे कहा, सर परेशान ना होइए, इतने भी डरपोक नहीं है हम, बैठिए हम देखते हैं। इतना कह के प्रदीप ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, जो भी दरवाजा खटखटा रहा था वो आसपास ही होना चाहिए था क्योंकि प्रदीप ने किसी के भाग के जाने की आवाज भी नहीं सुनी थी। प्रदीप ये देखने के लिए कमरे से बाहर निकल गया और गैलरी के एक कोने से दूसरे कोने तक का चक्कर मारने लगा। इधर कमरे के अंदर भानु गुस्से में दांत किटकिटाए जा रहा था कि जो भी उसे परेशान कर रहा था सुबह तक उसकी खैर नहीं। भानु तो सुबह के इंतजार में बैठा था और प्रदीप कमरे के बाहर खटखटाने परेशान करने वाले को ढूंढ रहा था। तभी एक आवाज ने भानु के ठीक पीछे प्रदीप के बिस्तर की ओर से कहा, खटखटाना तो खाली बहाना है सर, हम तो जब चाहें जहां चाहें आ सकते हैं, आपको डराना है बस। भानु इस आवाज को अच्छी तरह पहचानता था, यह मुमकिन ही नहीं था। वो कांपता हुआ धीमे धीमे पीछे पलटा और देखा प्रदीप के बिस्तर पर एक दूसरा प्रदीप बैठा हुआ था। भानु चाहे कितना भी बहादुरी का दम भर लेता लेकिन इस वक्त भानु का चेहरा खौफ और डर से पीला पड़ गया था। वो किसी छोटे से बच्चे की तरह डर से चीखा और जाकर कमरे के एक कोने में
घुटनों में मुंह छुपाए बच्चे की तरह बैठ गया। बाहर से प्रदीप भागता हुआ आया और उसने कहा, क्या हुआ सर? आप चीखे क्यों? कोई नहीं है सर खटखटाने वाला। अब सुबह जब आप सबकी क्लास लगाएंगे ना, तभी पता चलेगा। लेकिन इन सब बातों का कोई असर भानु पर नहीं हो रहा था। वो कांपता हुआ गुस्से में प्रदीप से बोला, चुप हो जा, यहां से भाग। हम ही कमरे में अब एक मिनट ना रुकेंगे, हम जा रहे हैं यहां से। भानु ने बस इतना कहा और प्रदीप का हाथ पकड़ के उसको बाहर लेकर हॉस्टल की ओर भागने लगा कि तभी दोनों के कमरे से बाहर पैर रखते ही दरवाजा उनके सामने बंद होता गया और बंद होते दरवाजे से भानु ने देखा कि प्रदीप वाले पलंग पर एक दूसरा प्रदीप बैठा मुस्कुराता हुआ उन दोनों को तब तक देखता रहा जब तक दरवाजा बंद नहीं हो गया। दरवाजा जैसे ही पूरा बंद हुआ, भानु जैसे नींद से जागा और प्रदीप का हाथ पकड़ के बोला, यहां से भाग। और भानु प्रदीप को लेकर वहां से बाहर भागा। हॉस्टल के कमरे के सामने की पतली सी गैलरी में से दोनों लड़के भाग रहे थे और पूरी गैलरी में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। भानु और प्रदीप दौड़ते हुए अंधेरे गलियारे से सीढ़ियों की ओर जा ही रहे थे जब सीढ़ियों के ठीक पहले, जहां से उन्हें सीढ़ियां दिखने लगी थी, आखिरी कमरे का दरवाजा जरा सा खुला और अंधेरे में प्रदीप ऐसे खींचता चला गया जैसे कोई अजगर अपना शिकार सांस के साथ खींच लेता है। गूंजती रही तो बस प्रदीप की चीखें। भानु ये देखकर वहीं का वहीं बर्फ की सिल्ली जैसा जमकर खड़ा रह गया। चीखें बंद होने के कुछ देर बाद तक भी भानु के कानों में प्रदीप की चीखें गूंज रही थी। भानु से सभी डरते थे और भानु इतनी बुरी तरह घबराया हुआ था। यह ख्याल खुद भानु को बहुत ज्यादा परेशान किए हुए था। वो कमरा जिसके अंदर प्रदीप खींचता चला गया था, वो भानु के क्लासमेट का ही था। भानु ने तुरंत दरवाजे को जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। तकरीबन एक मिनट तक दरवाजा खटखटाने के बाद कहीं जाकर दरवाजा आधी नींद में उसके क्लासमेट अमित ने खोला और पूछा, अरे भानु भाई क्या हुआ? भानु अमित को धक्का मारता हुआ सीधा कमरे में घुस गया और इधर उधर देखने लगा। इस बीच अमित उससे बोलता रहा, अरे भाई बताओ तो सही, क्या हुआ है? क्या ढूंढ रहे हो? अरे आखिर हुआ क्या है? इतनी अफरा तफरी में अमित का रूममेट राजेश भी जाग गया और दोनों ही हैरान थे क्योंकि भानु पूरे कमरे को उथल पुथल किए पड़ा था, पागलों की तरह कुछ ढूंढे जा रहा था लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। कुछ देर तक देखकर अमित और राजेश ने आखिरकार भानु को पकड़कर रोका और कहा, भाई लगता है तूने ज्यादा पी लिया है, चल तेरे कमरे में तुझे छोड़कर आते हैं, तुझे वहीं चैन मिलेगा। भानु तो अब तक जैसे बेहोश था, हैरानी से अब उठा और उसने कहा, वो कहाँ गया? अभी तो मेरे साथ था, अंदर खींचा मेरे सामने उसको। अरे उसे बचाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा। ढूंढो भाई, ढूंढो उसे, ढूंढो ना, ढूंढो। अमित और राजेश दोनों ने किसी तरह उसे समझा बुझाकर चुप कराया और खींचते हुए उसे कमरे तक ले गए। भानु भी दरअसल इतनी भाग दौड़ उथल पुथल के बाद बहुत बुरी तरह से थक चुका था।
बेहोशी सी छा रही थी उस पर। कमरे में ले जाकर अमित और राजेश ने भानु को सुला दिया और बाहर निकलने को हुए तो एक आवाज हुई। आवाज सुनकर दोनों पीछे मुड़े और देखा भानु अपने पलंग पे लेटा सो रहा था और दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। दरवाजा बंद हुआ और अंदर से कुंडी लगने की आवाज आई। अमित और राजेश का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और दोनों वहां से वापस अपने कमरे की ओर भागे। कुछ देर के बाद भानु की आंख खुली तो उसने खुद को वापस अपने कमरे में ही पाया। जब खुद को अकेला पाया तो डर से उसका गला रूंध गया। उठकर उसने अपने दोस्त को फोन मिलाया। फोन बस बजते जा रहा था लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। भानु अपनी किस्मत को कोसता हुआ फोन बस काटने ही वाला था जब दूसरी तरफ से प्रदीप की आवाज आई। अरे भानु भैया का हुआ, परेशान काहे हो रहे हैं? हम है ना, अरे आपके फैजाबाद के पड़ोसी प्रदीप। भानु वो आवाज सुनकर इतनी बुरी तरह से घबरा गया था कि उसके हाथ से फोन छूट कर गिर गया। भानु का सारा घमंड, सारी दिलेरी, सारी बहादुरी सब एक झटके में निकल गई और भानु सर पर पैर रख के कमरे से बाहर भागा। कुछ ही देर में उजाला होने वाला था। भानु कमरे से बाहर भागकर हॉस्टल से दूर, काफी दूर रोड के ठीक पास कॉलेज की दीवार के पास बनी हुई बेंच पर जाके कुछ देर बैठा रहा। इतनी देर तक कभी नहीं जागा था वो और ना ही कभी इतनी टेंशन हुई थी उसे। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई उसी बेंच पर। नींद तब खुली जब भानु ने बहुत सारे लोगों की और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें सुनी। भानु उठा और देखा कि कुछ दूर उसी वाटर टैंक के पास भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को चीरता हुआ भानु उस भीड़ में घुसा तो उसने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। सामने पानी की एक आधी भरी बोतल मुट्ठी में जकड़े हुए प्रदीप की लाश पड़ी थी। आंखें और मुंह उसके ऐसे खुले थे जैसे कुछ देखकर डर से उसकी जान निकल गई। भानु शायद 10 सेकंड ही वहां खड़ा था लेकिन उसे लगा जैसे पता नहीं कब से वो वहीं पर खड़ा था। एक चक्कर सा आया तो भानु वहां से वापस अपने हॉस्टल की ओर भागा और भागते भागते हॉस्टल के पास पहुंचा तो उसे अपना एक दोस्त मिला। भानु ने एक सांस में ही उसे पूरी बात बताई तो उसका वो दोस्त जोर से हंसते हुए बोल पड़ा। अरे भाई, मैंने तो तुझे हमेशा गुस्से में या लड़ते झगड़ते हुए ही देखा है, मजाक भी कर लेता है, ये नहीं पता था मुझे। भानु की आंखों में आंसू छलक आए थे। वो सीधा अपने कमरे की ओर भागा और कमरे तक पहुंचते पहुंचते भानु की सांसें बहुत तेज हो चुकी थी। नब्ज किसी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह भाग रही थी। धीरे धीरे भानु पर बेहोशी सी छाई जा रही थी। उसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। बंद होती हुई आंखों से
उसने अपने कमरे के दरवाजे पर देखा, प्रदीप हाथ में पानी की बोतल लिए खड़ा था और उसकी तरफ हाथ बढ़ाए हुए था कि जैसे भानु को पानी पीने को कह रहा हो। 3 दिन के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि प्रदीप की मौत रात को तकरीबन 11:30 बजे हुई थी और भानु की अगली सुबह करीबन 7 बजे। इसका मतलब जो पानी भर के वापस आने पर प्रदीप ने भानु को बताया था वो सच था कि उसने वहां अपनी खुद की लाश देखी थी। तो फिर रात भर भानु के साथ कौन था? आज भी उस इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग के नाम पे छोटी मोटी शरारतें तो होती हैं, लेकिन रात में तो क्या, दिन में भी उस वाटर कूलर के पास कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवार्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ।